पंजाब बारूद के ढेर पर बैठा है। एक तरफ अलगाववाद की आग को सुलगाने के लिए षड्यंत्र किए जा रहे, पंजाब में एक बार फिर वही आतंकवाद का बुरा दौर आ सके और उसके कारण से अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने वाले लोग प्रयासरत हैं। दूसरी तरफ पंजाब में जिस तरह से ड्रग माफिया ने चारों दिशाओं में अपने पांव पसारे हैं, और तीसरा जिस तरह से पंजाब में माफिया राज हावी हुआ है, गन कल्चर जिस तरह से पंजाब में सिर चढ़ के बोल रहा है, एक्सटॉर्शन जिस तरह से चरम सीमा पर है, यदि इस तरह इस पार्टी की सरकार बनेगी तो हालात बेकाबू हो सकते हैं और बिगड़ सकते हैं। और आज एक साल बाद आप सब लोगों के बीच में बैठ करके मैं अपने पुराने शब्दों को एक बार आपके सामने साझा करना चाहता था। जो अंदेशा किया था कमोबेश उसी तरह के हालात बने। आप सब ने देखा किस तरह से खेल के मैदान में खेलते हुए खिलाड़ियों को गोली मारी गई, पंजाब में गीत और संगीत राग और रंग को फैलाने वाले कलाकारों को एक्सटॉर्शन की धमकियां और उसके बाद में उनकी नृशंस हत्याएं की गई, पंजाब में जिस तरह से खुल करके ड्रग और गन इन दोनों के माफिया हावी हुए, शायद ही पंजाब का कोई व्यापारी व्यवसायी बिल्डर या कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति होगा जिसके पास में एक या एक से ज्यादा एक्सटॉर्शन के कॉल्स नहीं आए होंगे। लेकिन सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में उस फ्रंट पर एब्सोल्युटली फेल हुई। हाल ही में समाचार आया है कि खडूर साहब में गुरुद्वारा के ग्रंथी की टांग काट करके कुछ लोग ले गए। इससे ज्यादा बर्बरता और नृशंसता का माहौल नहीं हो सकता। मैं समय रहते चेत करके ये सरकार पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए काम करे, आपके माध्यम से सरकार को ये आगाह करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव के बाद में प्रभावी विपक्ष की पार्टी की भूमिका में काम कर रही है। चुनाव के परिणाम में हमको बेशक दो ही सीट केवल मिली है, लेकिन दो सीटें होने के बावजूद भी आज जिस तरह से पंजाब में लोगों का रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, मात्र दो सीट जीतने के बावजूद भी जिस तरह से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी भी पंजाब सूबे में प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका को निभाते हुए सरकार की हर विफलता को सड़क से सदन तक संघर्ष के विरुद्ध सड़क से सदन तक संघर्ष कर रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में कुछ लोग और सम्मिलित होने वाले हैं। हम सबकी जानकारी में है कि जलंधर का उपचुनाव होने वाला है, तारीखें घोषित हो गई है। पार्टी पूरी ताकत के साथ में पूरी क्षमता के साथ में जलंधर के उपचुनाव में हिस्सा लेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जिस तरह के हालात पंजाब में बने हैं और जिस तरह का मैसिव फेल्योर हर एक डिलीवरी पॉइंट पर जितने सरकार ने वादे किए थे उन सब वादों में सरकार जिस तरह से फेल हुई है, न महिलाओं को स्टाइपेंड मिल रहा है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, न लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया जा सका है, सरकार ने जितने भी वादे किए सब उन वादों पर के नाम पर कुछ लीपा पोती करने के अतिरिक्त सरकार और कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई। और अब आशा की दृष्टि से पंजाब का आम मतदाता भारतीय जनता पार्टी की तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है। ऐसे में मुझे विश्वास है कि जलंधर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अब की बार बहुत अच्छा मत प्रतिशत मिलने वाला है।
आप सब पत्रकार मित्रों का सहयोग हमेशा इन विषयों को लेकर के रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व सर्वदूर एक ही सिद्धांत कि हम देश की एकता और अखंडता के साथ में समझौता किए बिना देश के साथ में ताकतें एक होकर के माननीय मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछालने, उनके धवल चरित्र को पर कालिक पोतने का प्रयास कर रही, बार बार न्यायालय के द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद भी, न्यायालय के द्वारा दंडित किए जाने के बावजूद भी न इस तरह की कुचेष्टाएं थम रही हैं, उल्टा भारत में लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जो न्यायपालिका की आत्मा है, उस न्याय जो लोकतंत्र की आत्मा है उस न्यायपालिका को भी की तरफ भी उंगलियां उठा करके प्रश्न चिन्ह खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में हम सब की समाज के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह आवश्यकता है कि इस सच को सच के रूप में लोगों के बीच में लेकर के जाएं। आप सब ने आज सुबह सुबह यहाँ आने का परिश्रम किया, उसके लिए आप सब का आभार। कोई सवाल है? हो जाएगा, हमारे यहाँ कैंडिडेट अनाउंस करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। जितने भी बाय इलेक्शन, ये प्रश्न अगर तभी खड़ा हो सकता था कि जितने बाय इलेक्शन हुए अभी और जो कर्नाटका के चुनाव भी इसी स्पेल में होने वाले हैं, उनको लेकर के अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। अगर सब जगह के अनाउंस हो जाते और जालंधर का नहीं हो जाता तो शायद प्रश्न हो सकता था, लेकिन अभी कहीं भी नहीं हुआ, इसलिए प्रश्न मुझे लगता है कि अभी अप्रासंगिक है। अपने आप को अगर डीजीपी सर्टिफिकेट दे या सरकार सर्टिफिकेट दे या कोई भी व्यक्ति अपने आप को सर्टिफिकेट दे, वो सर्टिफिकेट की कोई महत्ता या जो है उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। समाज और पंजाब का आम नागरिक क्या महसूस करता, मैंने वो विषय आपके सामने रखा है। जैसा मैंने कहा कि अखंडता और एकता को लेकर के कहीं किसी तरह की जो है जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की है, इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई कोताही को बर्दाश्त नहीं कर सकते। निर्दोष व्यक्ति पर कार्रवाई न हो, लेकिन जो इस तरह के दोषी हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई होना ही चाहिए। फेल्योर की अगर हम गिनती शुरू करना शुरू करेंगे तो शायद सरकार के मुखिया से लेकर के नीचे तक सबके फेल्योर बना सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि जो कुछ मैंने कहा है उसमें ये सब जो है मेरा भाव पहले से सम्मिलित हो गया। Not myself only or not the people of BJP only, everybody in Punjab is scared. People of Punjab are really scared and they are feeling and they are living in the saya of dar that the older days of Punjab at the peak in state of Punjab, those ugly days or those darker days should not retract or come back again. मैंने इतनी स्पष्टता के साथ में कहा कि जो कोई भी भारत के विरोध में, भारत को तोड़ने के विरोध में, के पक्ष में या भारत के समाज को खंडित करने और इस
जो है एकता के ताने बाने को तोड़ने के विषय में बात करता है। भारतीय जनता पार्टी का मत पहले दिन से लेकर के जिस दिन भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से लेकर के आज तक एकदम उसको लेकर के स्पष्ट है। हमारी जनसंघ के समय में जब स्थापना हुई थी तब जिस मूल विषय को लेकर तब से आज तक एक ही स्टैंडर्ड